हाफ वेव वोल्टेज डबलर, हाफ वेव वोल्टेज डबलर जो हमारे मल्टीप्लायर्स होते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, क्या उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा मोड़िए क्या करते हैं, मोडिफाई करते हैं। इसमें हम कैपेसिटर फिल्टर्स का यूज करते हैं जो कि क्या, जो हमारे डीसी वोल्टेज के होते हैं, ट्वाइस करते हैं। इनपुट पे हम एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट पे हमें डीसी वोल्टेज आती है जो कि उसे डबल कर देते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे वोल्टेज मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, उसकी पीक वैल्यू से मोर टाइम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम बात कर रहे हैं हाफ वे वोल्टेज डबलर की, जिसमें अगर हम इसका सर्किट डायग्राम देखें, इसमें एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये कनेक्ट है हमारे C1 कैपेसिटर से और D1 डायोड से। अगेन D2 डायोड और C2 कैपेसिटर कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। ये अगर एक टाइम पे C1 और D1, कैपेसिटर 1 और डायोड 1 कंडक्ट करेंगे, और एक टाइम पे कैपेसिटर 2 और D2 कंडक्ट करेंगे। इनपुट से हम अपने इनपुट सप्लाई देते हैं जो कि एसी की फॉर्म में होती है, और आउटपुट हमें डीसी की फॉर्म में मिलती है। अगर हम इसके वर्किंग देखें, सबसे पहले क्या कि हम इनपुट पे एसी प्रोवाइड करते हैं। जब एसी इनपुट पे जाती है तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे ट्रांसफार्मर के थ्रू जाती है तो हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर एक चार्ज क्रिएट होता है। पॉजिटिव, जब हमारी पॉजिटिव साइकिल जाती है उस टाइम पे जो अपर पार्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और लोअर पार्ट पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आती है वो आती है Vs मैक्सिमम, यानी जो सप्लाई वोल्टेज होती है मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज आती है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो हमारा जो कैपेसिटर 1 है ये करता है चार्ज करना स्टार्ट करता है, और इस टाइम पे हमारा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन D2 यानी जो डायोड 2 है इस टाइम पे रिवर्स बायस रहेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 रिवर्स बायस रहता है, D1 फॉरवर्ड बायस रहता है, और C1 चार्ज करता है Vs मैक्सिमम वोल्टेज तक, वो वोल्टेज जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग पे आई है इस वोल्टेज तक चार्ज करता है, और जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो होता है, यानी कि कैपेसिटर 1 से डायोड 1 की तरफ। और जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल आती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा D1 जो कि पहले फॉरवर्ड बायस था पॉजिटिव साइकिल में, वो रिवर्स बायस हो जाता है, और इस टाइम पे जो D2 है वो कंडक्ट करता है। जब हमारे ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आती है वो Vs मैक्सिमम तक ही रहती है, Vs मैक्सिमम आउटपुट ही आती है, और कैपेसिटर 1 जो कि Vs मैक्सिमम तक चार्ज हो चुका है, यानी कि पीक वैल्यू तक जो चार्ज हो चुका है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो C2 है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, यानी हमारा करंट जो ट्रांसफार्मर है नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हमारा करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। इस टाइम पे कैपेसिटर 2 चार्ज करना स्टार्ट करेगा, और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और डायोड 1 रिवर्स बायस हो जाएगा। कैपेसिटर 2 चार्ज करेगा Vs मैक्सिमम वोल्टेज तक। यहाँ पे 2 Vs मैक्सिमम इसलिए लिया गया है क्योंकि एक तो हमारी सेकेंडरी की जो वोल्टेज आई है Vs मैक्सिमम, और कैपेसिटर 1 जो कि Vs मैक्सिमम तक चार्ज हुआ है, इन दोनों का सम यानी कि 2 Vs मैक्सिमम वोल्टेज तक हमारा C2 कैपेसिटर चार्ज करेगा और D2 कंडक्ट करेगा, और जो हमारी आउटपुट आएगी वो 2 Vs मैक्सिमम आएगी। हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो V2S है यानी कि कैपेसिटर 2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इज इक्वल टू है Vs मैक्सिमम, Vs मैक्सिमम कौन सी, जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये वाली, और VC1 जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है, और कैपेसिटर पे कौन सी वोल्टेज है Vs मैक्सिमम जिस तक वो चार्ज हुआ था, और Vs मैक्सिमम को हम VC1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आया है, Vs मैक्सिमम प्लस Vs मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 Vs मैक्स, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर 2 है यानी कि जो कैपेसिटर 2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 Vs मैक्सिमम रहेगी, 2 Vs मैक्स तक वो चार्ज होगा, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेज आएगी। जब हमारे पास नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उस टाइम पे कैपेसिटर 2 क्या करेगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा लोड के अक्रॉस, लेकिन अगर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है हमारे आउटपुट पे तो कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2
क्या करेंगे, चार्ज ही रहेंगे, स्टे रहेंगे अपनी पोजीशन तक। C1 Vs मैक्सिमम तक चार्ज रहेगा और C2 2 Vs मैक्सिमम तक चार्ज रहेगा। लेकिन अगर लोड उसके अक्रॉस कनेक्टेड कर दिया गया, आउटपुट पे अगर हम कोई लोड लगा दें, कोई इक्विपमेंट लगा दें, तो कैपेसिटर 2 क्या करेगा, उसके थ्रू थोड़ा लीकेज करंट फ्लो होगा, लीकेज डिस्चार्ज करेगा, और जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी तो कैपेसिटर 2 अगेन चार्ज करना स्टार्ट करेगा और 2 Vx मैक्सिमम वोल्टेज तक अगेन चार्ज करता जाएगा। इस तरह से हमारी ये वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस होती हैं और आउटपुट पे हमें एक डीसी वोल्टेज मिलती है। अगर हम इसकी आउटपुट वेव फॉर्म देखें तो जैसे ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म थी जो हम एसी जो हम प्रोवाइड कर रहे थे, क्या करेगा, हाफ वेव को डबल कर रहा है। तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ये जो ब्लैक लाइन शो हो रही है ये हमारी आउटपुट है, ये कुछ इस तरह से आएगी। जो हमारा आउटपुट आएगी वो 2 Vs मैक्सिमम तक आएगी, जो कि कैपेसिटर 2 के थ्रू आएगी। जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है दोनों डायोड के अक्रॉस वो 2 Vs मैक्सिमम तक होती है। और हाफ वेव वोल्टेज डबलर क्या करता है, डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है जिसका ऑर्डर 3 किलो वोल्ट तक होता है। और इसकी जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है हाई, वो उसको हम सिंगल एफ से डिनोट करते हैं, और जो रिपल कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें जो रिपल्स आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। और जो आउटपुट रिपल्स कंटेंट होता है वो हाई होने की वजह से क्या होता है, इसमें इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यह हमारा हाफ वेव वोल्टेज डबलर।